नवरात्रि की नवमी तिथि को हवन पूजन और भंवरा और जागरण कार्यक्रम देखने को मिले और पुलिस प्रशासन भी गश्त करते रहे। फतेहपुर जिले में कोविड-19 के बाद कुछ लोगों में उत्साह देखा गया, वो भी डरते डरते। और आप लोगों को बता दें कि आज नवरात्रि पर्व का अंतिम दिन रहा और अब आज मूर्ति भूमि विसर्जन 9 बजे तक घाट गंगा किनारे होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें गंगा और यमुना नदी के घाटों पर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने सख्ती से नियम लागू किया है कि कोई मूर्ति जल विसर्जन नहीं करेंगे। इस पर पुलिस प्रशासन को पूरी नजर बनाए रखना है। आप लोगों को बता दें कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय सुबह से ही अपनी टीम के साथ घाट और चौराहे हाईवे पर निगरानी के लिए चुस्त दुरुस्त रहने के लिए आदेशित किया और स्नान भी सिस्टम से होगा, कोई हुड़दंग मचाया तो उस ऊपर कार्यवाही की जाएगी। आइए सुने क्या कहा खागा व्यापार मंडल मिश्रा गुट के अध्यक्ष और महामंत्री ने। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज ऑल इंडिया फतेहपुर जिला रिपोर्टर अनिल कुमार केसरवानी की कवरेज। देखिए हमारी जो है माता जी से लोगों की आस्था है, उस आस्था के हिसाब से हम लोग माता जी से ही मानते हैं कि हिसाब से आज व्यक्ति जो है आम पब्लिक जो है कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, किसी तरह उससे निजात मिले और जो आने वाले समय में खुशहाली का संदेश जाए, हमारा किसान व्यापारी और आम जनता हमेशा खुशहाल रहे, यही माता जी का। आपका शुभ परिचय। मेरा नाम अमित पांडे, मैं व्यापार मंडल खागा का अध्यक्ष हूँ। हमारे बगल में नीरज अग्रवाल, नीरज अग्रवाल महामंत्री व्यापार मंडल खागा। ये मंदिर का कार्यक्रम भी जो है जी हम लोगों द्वारा अग्रवाल जी हैं, राजू यादव जी वो भी।